श्रद्धा वाकर हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचाकर रख दी है। श्रद्धा मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में श्रद्धा वाकर का पत्र सामने आया, जहां पर श्रद्धा ने नवंबर 2020 में भी अपनी हत्या होने का जिक्र किया था। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। फडणवीस ने श्रद्धा के पत्र को देखकर कहा कि ये गंभीर पत्र है। मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जाँच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।